एंड द आंसर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द बेस्ट पीपल टू वॉच ओवर someone's property प्रॉपर्टी owners ओनर्स आर अराउंड यहाँ पर हमने बताया कि जब ओनर्स किसी घर के या किसी की प्रॉपर्टी के नहीं होते तो उनके जो नेबर्स होते हैं वो सबसे बढ़िया उनके घर की देखभाल कर सकते हैं वो देख सकते हैं कि कुछ इलीगल या कुछ गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही वहाँ पर मोर ओवर दे कैन गिव अस कंपनी व्हेन वी आर अलोन और दे कैन बी हेल्पिंग हैंड इन आर गुड एंड बैड टाइम्स इसके अलावा हमने यहाँ पर बताया कि वो हमें सहारा दे सकते हैं जब हम अकेले होते हैं और हमारे अच्छे बुरे टाइम में हमारी मदद भी कर सकते हैं गुड नेबर्स आर लॉट लाइक इलेक्ट्रिसिटी और रनिंग वाटर वी डोंट नो हाउ मच वी डिपेंड ऑन दैम अनटिल वी डोंट हैव दैम यहाँ पर हमने बताया कि जो अच्छे नेबर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी या पानी कितना होते हैं जिन पर हमें पता नहीं होता कि हम कितने डिपेंडेंट हैं अनटिल जब तक वो हमारे पास नहीं होते तो हमें पता नहीं होता कि हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने नेबर्स पर दे मेक आर लाइफ मोर प्लेजेंट एंड गिव अस अस ऑफ हु वी आर बोथ एज ए इंडिविजअल एंड एज अम्बर ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पर हमने सिम्पली बताया कि जो हमारे नेबर्स होते हैं वो हमारी लाइफ को प्लेजेंट बनाते हैं ईजी बनाते हैं और हमें बताते हैं कि हम इंडिविजुअली कैसे हैं और मैंबर ऑफ कम्युनिटी के रिगार्डिंग भी हम कैसे इंसान हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नेबर यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि जो अच्छे नेबर्स होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है एंड द आंसर इज देयर प्लेथोर ऑफ ट्रेड्स दैट मेक्स सम वन अ गुड नेबर ट्रेड का मतलब कररेक्टरिस्टिक्स उनके जो क्वालिटीज़ होते हैं कि हमने यहाँ पर बताया कि बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी अच्छे नेबर में फर्स्टली अ गुड नेबर विल ऑलवेज ट्राई टू बी फ्रेंडली अवेलेबल एंड अप्रोचेबल कि जो भी अच्छा नेबर होगा वो क्या होगा हमेशा आपके साथ फ्रेंडली होगा अवेलेबल होगा और अप्रोचेबल होगा कि जिससे आप कभी भी बात कर सकते हो बिसाइड्स इज बींग रिजनेबल एंड टॉलरेंट ऑफ अदर्स पीपल्स व्यूज एंड लाइफ स्टाइल्स इसके अलावा क्या क्वालिटी बताई कि वो एक रीज़नेबल भी होगा और जो वो टॉलरेंट भी होगा अगर किसी का व्यू पॉइंट अलग है या लाइफ अलग है तो वो टॉलरेंट होगा अपार्ट फ्राम दिस दे शुड भी कॉपरेटिव एंड हेल्पफुल टू और एंड में हमने बता दी वो कॉपरेटिव भी होने चाहिए और हेल्पफुल भी होने चाहिए नेक्स्ट इज़ डू मोस्ट इंडियन पीपल नो देअ नेबर्स यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि जो इंडियन लोग होते हैं वो क्या अपने नेबर्स को ज़्यादातर जानते होते हैं या नहीं एंड आंसर इज इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस इट्स पॉपुलर दैट नेबर्स नो ईच अदर वेरी वेल यहाँ पर हमने बताया कि जो स्मॉल टाउन्स होते हैं जो कोई गांव होता है वहाँ पर ये पॉपुलर है जहाँ ये कॉमन चीज़ है कि नेबर्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं बट्स इट्स नो द केस इन बिग और मेट्रोपोलिटिन सिटीज यहाँ पर हमने बताया कि जो बड़ी सिटीज़ होते हैं उनमें ये एक चीज़ कॉमन ही है वहाँ पर इतने लोग एक दूसरे को नेबर्स जानते नहीं होते पीपल आर लीडिंग सेल्फ सेंटर्ड लाइफ एंड डू नॉट नो देअर नेबर्स कि जो शहरों में लोग हैं बड़ी सिटीज़ में लोग जो रहे हैं वो सेल्फ सेंटर्ड है वो अपने पे ही ध्यान देते हैं और अपने नेबर्स को खास जानते नहीं होते एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वट आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कम्यूनिटी यहाँ पर हम उन्होंने हमसे पूछा कि एक अच्छी कम्यूनिटी की क्वालिटीज़ क्या होती हैं एंड द आंसर इज़ टू लिव इन हारमोनी इट इज़ असेंशियल दैट एवरी सिंगल इंडिविजुअल शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बाई टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर एंड बी कॉपरेटिव यहाँ पर हमने बताया कि अगर पीसफुल जीना तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल जो भी सोसाइटी का वो कंट्रीब्यूट करे टू द सोसाइटी और एक दूसरे की केयर करे और कॉपरेटिव भी हो फर्दर मोर दे शुड नेवर हेजिटेट टू हेल्प अदर्स इन एमरजेंसीज यहाँ पर हमने बताया कि उनको हमेशा दूसरे की हेल्प करनी चाहिए खासकर अगर कोई इमरजेंसी है तो कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए और उनकी बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए अपार्ट फ्राम दिस क्वालिटीज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फेयरनेस सेलिब्रेट हेरीटेज एंड ट्रेडिशन प्रमोट इंट्रैक्शन अमंग मेम्बर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड कम्यूनिटी यहाँ पर हमने बताया कि कुछ और क्वालिटीज़ जो एक कम्यूनिटी में होनी चाहिए जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और फेयरनेस भी होनी चाहिए कि जितने भी ट्रडिशन और कल्चर किसी के भी हों अच्छे से उनको सेलब्रेट भी करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए इंट्रेक्शन बिटवीन द मम्बर्स ये ये जो सी क्वालिटीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एक अच्छी कम्युनिटी के लिए So that's it for the video, guys, and I will see you in the next video. Till then, take care, good luck for the preparation, and thank you, guys.